नमस्ते, मैं हूँ शिल्पा। वेलकम टू इजी कुकिंग विद शिल्पा। कभी कभी जब आप ऐसे ही घर में बैठे रहते हो तो कुछ ना कुछ क्रंची खाने का मन तो करता ही होगा। वैसे तो हर घर में कुछ ना कुछ रखा हुआ रहता ही है, तो आज हम ऐसे ही एक स्नैक आइटम बनाने जा रहे हैं जो आप स्टोर करके एक महीने तक रख सकते हैं और ये चाय के साथ या ऐसे ही कभी भी खा सकते हो। तो चलिए आज हम बनाते हैं भाजनी की चकली। भाजनी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, तिल, तेल, हल्दी और नमक। एक बाउल में हमने भाजनी ली है, उसमें आपके हिसाब से सॉल्ट डालिए, अजवाइन डालिए, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और 3 से 4 चम्मच तिल। अब इसमें हमने गरम किया हुआ तेल डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अब हमने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है और उससे हम एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। डो बनने के बाद उसे 5-10 मिनट रेस्ट लेने दीजिए। हाथ को तेल लगा के गोले बनाइए और चकली मेकर में डाल दीजिए। उसे पहले ग्रीसिंग कीजिए। और पेपर पे चकलियां बनाइए। उसे लॉक करना ना भूले। और मीडियम हीट पे चकलियां अच्छे से फ्राई कीजिए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल लीजिए। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई होना चाहिए। देखिए फ्राई हो गई। लीजिए चकली को दही के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।